नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। आज 26 नवंबर संविधान दिन, इस पर्व पर संविधान चौक पर आज किस तरीके के कार्यक्रम होने जा रहे हैं, आइए हम आपको बताते हैं। संविधान दिनानिमित्त संपूर्ण भारतीयांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो आहे। आणि आज ज्या पद्धतीने या देशामध्ये राजकारण आणि समाजकारणाचा गाळ सुरू आहे, आज समतावाद्यांचा फार मोठा पराभव होतो आहे आणि या देशामध्ये विषमतावादी जी ताकते आहेत हे ताकते वाढतात आहेत आणि त्या ज्या पद्धतीने आज या देशामध्ये एक आस्था धर्माच्या नावाने एक अनागोंदी कारभार सुरू आहे, या सर्वांचा विरोध करण्यासाठी नागपूर शहरामध्ये एक रिपब्लिकन आघाडी म्हणून ही स्थापना झालेली आहे आणि जे जे अन्यायकारक वर्ग आहेत त्याविरुद्ध लढण्याचं ध्येय हे रिपब्लिकन आघाडीचं आहे। इतकंच नव्हे तर इथल्या स्त्रियांना जो काही स्त्रियांवरती अत्याचार होतो आहे त्याचाही मुकाबला करण्याचं काम रिपब्लिकन पार्टी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या विचारामधून, रिपब्लिकन जो विचार आहे, जो विचार या देशातल्या मूळ रहिवाशांचा विचार आहे, या देशामधल्या अन्याय अत्याचार लढणारा तो विचार आहे, तो रिपब्लिकन विचार जिवंत करण्याचा हा आमचा हा प्रयास आहे। आणि म्हणून परत एकदा मी सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो, थांबतो, जय भीम। संविधान दिन के अवसर पर तमाम रिपब्लिकन जनता को के लिए हार्दिक मंगल कामना। देश में वर्तमान सरकार के माध्यम से जिस तरीके से संवैधानिक संस्थानों का हनन किया जा रहा है, उसको देखते हुए महसूस होता है कि इस देश का संविधान आज संकट में है, खतरे में है। आज सर्वप्रथम आवश्यकता है इस देश के संविधान को बचाने की और आज 26 नवंबर संविधान दिन के अवसर पर हम लोग ये निर्णय लेते हैं कि आने वाले समय में हम लोग इस देश के संविधान को लागू करने के लिए और संविधान के सुरक्षा के लिए हम रिपब्लिकन आघाड़ी की ओर से प्रयासरत रहेंगे। आप लोगों को बताता चलूँ कि रिपब्लिकन बाबा साहब के नाम से काम करने वाले तमाम रिपब्लिकन अनुयायी नागपुर शहर में उन्होंने एकजुट होकर रिपब्लिकन आघाड़ी की स्थापना की है और लोगों से निवेदन किया जाता है कि इस रिपब्लिकन वैश्विक रिपब्लिकन विचारधारा के आधार पर सब लोग एकजुट होकर संविधान समर्थक के रूप में संविधान की रक्षा के लिए अपनी एकजुटता दिखाए, ऐसा आह्वान आज के दिन करता हूँ। जय भीम, जय भारत। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकशाही जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकशाही जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब के देश में हुकुमशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा साहब के देश में आरएसएस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा साहब के देश में मनुवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाबा साहब के देश में जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकशाही जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑल इंडिया पैंथर सेनेचा जय हो। दीपक भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वंचित बहुजन आघाड़ीचा जय हो। ऑल इंडिया पैंथर सेनेचा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिस देश में केंद्र में जो मनुवादी व्यवस्था है, आज पहली बार संविधान के दिन पूरे देश में शेतकरी कामगार रस्ते पे उतरा है। संविधान के माध्यम से ये मनुवादी व्यवस्था ने जो बिल बनाया है वो संविधान के खिलाफ बिल बनाया है, मनुवादी बिल बनाया है। इस देश में आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसे 2022 में 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और उनका एजेंडा है कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसीलिए ये संविधान के खिलाफ खड़े हुए हैं। आज हम संविधान जिंदाबाद इसलिए कह रहे हैं कि इस देश में मानवता, स्वतंत्र, समानता, न्याय, इसके हक के लिए जो संविधान खड़ा हुआ है, उस संविधान को बचाने का यलगार हम इस देश में खड़ा कर रहे हैं। ऑल इंडिया पैंथर सेना, वंचित बहुजन आघाड़ी, संविधानवादी जो जो संगठन है वो इस देश में
कभी भी आरएसएस की हुकुमशाही तानाशाही चलने नहीं देंगे। इस देश को अगर मानवतावादी देश खड़ा करना है तो आरएसएस पे बंदी लाना पड़ेगी, और जो गैर संवैधानिक आतंकवादी संगठन जैसा आरएसएस है उसके खिलाफ इस देश में जन उठाव की जरूरत है। आज पूरे देश में रोहित यमुल्ला के बाद पूरे देश में दलितों पे अत्याचार बढ़ा है, शेतकरी खतरे में आया है, यहाँ का कामगार उद्वस्त हो चुका है। इसलिए मानवता बचाने के लिए, दलित बचाने के लिए, बौद्ध बचाने के लिए, आदिवासी बचाने के लिए, महिला बचाने के लिए संविधान जिंदा रखना बहुत जरूरी है, और इस संविधान जिंदा रखने के लिए इस देश में जन उठाव की तैयारी हम जन आंदोलन के माध्यम से कर रहे हैं। इस मुट्ठी से ये जो आतंकवादी संगठन खड़ा हुआ है मोहन भागवत के नेतृत्व में आरएसएस, उसको उखाड़ के फेंकने का ऐलान आज के दिन हम करते हैं। और संविधान जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, छत्रपति शाहू महाराज ने जो संविधान मानवता के लिए दिया है, बहाल किया है, वो बरकरार रखने का काम अम्बेडकरवादी बहुजनवादी करेंगे, ऐसा ऐलान आज के दिन हम करते हैं। और पूरे देश को हम बताना चाहते हैं कि आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है। 26 जनवरी से भी ज्यादा 26 नवंबर सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इसके बाद इस दिन को हम दिवाली से भी ज्यादा मनाएंगे और संविधान दिन जोर से मना के जिंदा रखेंगे, ऐसा ऐलान करेंगे। शक्ती आहेत, त्या भांडवलवादी शक्ती आहेत, त्या सर्वांना सांगू इच्छितो की इथे संविधान आहे म्हणून तुम्ही आहात, इथे संविधान आहे म्हणून तुम्ही सुरक्षित आहात, इथे संविधान आहे म्हणून तुमचा धर्म सुरक्षित आहे, इथे संविधान आहे म्हणून तुमचं अस्तित्व सुरक्षित आहे। ज्या दिवशी संविधान जाईल त्या दिवशी तुमचं अस्तित्व मिटून जाईल, त्या दिवशी या देशाचे तुकडे होतील, आणि ते तुकडे होतील तर तुम्ही वाचणार नाही, कोणीच वाचणार नाही। संविधानाला वाचवा हे प्रत्येक भारतीयाचं कर्तव्य आहे। त्याच्या प्रियांबलची सुरुवात आहे, वी द पीपल ऑफ इंडिया रिझॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, म्हणजे आम्ही स्वतः प्रत्येक संविधान अर्पित केलेलं आहे। तर प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य आहे की ते संविधान वाचवणं, हे प्रत्येक नागरिकांचं कर्तव्य आहे। संविधान वाचेल तर प्रत्येक नागरिकाचे हक्क आणि अधिकार आणि त्याचं अस्तित्व वाचेल, म्हणून भारतीयातल्या प्रत्येक नागरिकाला मी आवाहन करतो संविधान वाचवण्यासाठी जात पात धर्म पंथ भाषा सारे भेद बाजूला करा, प्रथम भारतीय शेवटी भारतीय हा नारा आपल्या मेंदूमध्ये लिहून घ्या आणि जगायला सुरुवात करा। हा सुंदर देश आपण सर्व मिळून घडवू। देखो सरकारने जो CA NRC लाया है तो ये CA NRC सबसे पहले कांग्रेस ने लाया, तो पहले ध्यान में रखिए। यहाँ जो राष्ट्रपति पद पर थी प्रतिभाताई पटेल, उसको पहले NRC का सर्टिफाइड कॉपी दिया गया। किसने दिया? भाजपा ने लाया है। मेरे को मैडम ये बताइए कि फिर प्रतिभाताई पाटिल को देश के नागरिक का सर्टिफिकेट NRC के अंतर्गत कैसे दिया, किसने दिया? हम पूछते रहे कांग्रेस को, कांग्रेस सरकार ने दिया। और CA NRC के खिलाफ क्यों राहुल गांधी सड़क पे नहीं आ रहा, क्यों सोनिया गांधी सड़क पे नहीं आ रही, क्यों अपना झंडा डंडा लेकर नहीं? हाँ, कोई विरोध करने के लिए विरोधी पक्ष तो है, क्यों सब ठिकरा? BJP तो यानी देश को खत्म करने चली है और उसको साथ तो कांग्रेस दे रही ना, ये क्यों बोल रहे हैं? और जो NRC और CA है, CA NRC के खिलाफ हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? आपको बता दूं क्योंकि यहाँ से SC ST OBC माइनॉरिटी और महिला, ध्यान में रखना, महिला बोल रहा हूँ, महिलाओं को मतदान का अधिकार, मताधिकार, मतदान नहीं है वो, मताधिकार बाबा साहब ने दिया। फ्रांस में, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला, 100 साल लड़ाई करनी पड़ी, शायद आपको इतिहास मालूम है। अनेक महिलाएं मरी, अनेक महिलाएं पुलिस को भेंट चढ़ी, 100 साल लड़ी, तब जाके मिला, महिलाओं को भी दिया। तो इनको ये जो मत का अधिकार है ये छीनना है, ये मत का अधिकार छीनना है। CA के अंतर्गत जब आपको मिलेगा ना तो आप शरणार्थी बन जाओगे अपने ही देश में, और आपको कितने अधिकार देना है ये सरकार डिसाइड करेगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ CA NRC ये BJP और कांग्रेस क्यों, आपको बताता हूँ। BJP और कांग्रेस ये दोनों पार्टियाँ जो लोग रेगुलेट करते हैं वो 3 वर्ण के लोग हैं, उनसे है
तीन वर्ण के लोग हैं और इस देश के कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, और वो नहीं चाहते कि SC ST OBC DT NT VJNT को यहाँ न्याय मिले, वो सर उठा के जिए, क्योंकि हजारों साल इन्होंने गुलाम करके रखा। संविधान एक अकेली चीज है जिन्होंने इनको हजारों साल के बाद अधिकार दिए, वो अधिकार छीनना चाहते हैं लोग, इसलिए उन्होंने संविधान तो परास्त नहीं कर सकते। सरकार तो सबके लिए सेम ही होती है, लेकिन क्यों छीनना चाहते हैं? सरकार सबके लिए सेम होती है, ये कागज पे होती है, समझी, कागज पे होती है। ये सरकार उन लोगों की होती है जो बुकीपर लोग उसको नियंत्रित करते हैं, जो पैसे देते हैं, जो वहाँ पूरा नीति निर्धारण करते हैं, उनकी सरकार होती है। इस देश की हर सरकार कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक वो सिर्फ 15-20% लोगों के लिए काम करती आई, उनका ही विकास हुआ नहीं, तो दरिद्र रेखा के नीचे आज इस देश की 50 करोड़ जनता क्यों है, और इस देश की प्रॉपर्टी 73% प्रॉपर्टी सिर्फ 1% लोगों के हाथ में क्यों है? 73% प्रॉपर्टी लाइज इन हैंड्स ऑफ 1% पीपल, और हम इतने लोग हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है। 30 करोड़ मैडम, 30 करोड़ जनता रोज भूखी सोती है इस देश में, समझे। तो इसलिए जो भी सरकार बनती है, चाहे बीजेपी की रहे, कांग्रेस की रहे, राष्ट्रवादी की रहे, शिवसेना की रहे, वो मुट्ठी भर लोगों के लिए काम करती है, वोट हमारे लेती है, लूटती वोट, क्योंकि इस देश की जनता जागरूक है। लेकिन हर बार बीजेपी सरकार क्यों? बीजेपी सरकार इसलिए कांग्रेस को जितवाती, कांग्रेस जितवा रही ना उसको, कांग्रेस का कैंडिडेट कांग्रेस के ही लोग हराते, ध्यान में रखना। अभी तक जो खासदार बैठे हैं ना वो बीजेपी के, वो चीज है ईवीएम, देखो ईवीएम का रोल जरूर है, मगर कांग्रेस का भी रोल बहुत बड़ा है बीजेपी को जितवाने में, ध्यान रखना। ये लोग क्या कर रहे हैं बिहार में, क्या हुआ, वो तो घूमे ही नहीं, आने के चांसेस थे, क्यों उन्होंने डिप कर दिए चांसेस? कांग्रेस ने किया ये सब, ये खेल कांग्रेस का, कांग्रेस ये बीजेपी की बी टीम है। देखो सत्ता में आना चाहना और सत्ता आने के लिए खुद मेहनत लेना, इसमें फर्क होता है ना। मैं तो चाहता हूँ मैं देश का पहला प्रधान बनूँ, मगर मैं कुछ करूँगा नहीं तो कैसे बनूंगा, कैसे बनूंगा? सत्ता में आना चाहते हो ना, आप बताइए महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ, कितने दिन राहुल गांधी घूमे महाराष्ट्र में बताइए ना, कितने दिन सोनिया गांधी घूमी, वो तो मोदी जी ने इतनी सभाएं ली। भैया सुनो, इन्होंने पूरा मिल बांट कर खाना देश को, समझे। क्यों मेरे को एक बताइए, जितने खासदार बैठे बीजेपी के, 60% खासदार ये पहले कांग्रेस के खासदार रह चुके हैं, जो अभी निर्मला सीतारमन है ना, 2006 के पहले कांग्रेस में थी, मालूम है आपको, फिर कांग्रेस ने बढ़ाया उसको, कांग्रेस ने पाल को उसके बढ़ा दिया, और कांग्रेस का नीति निर्धारण नियमन ये RSS करती है, और योर काइंडली फॉरवर्ड। तो दिवस तो बहुत बड़ा दर्शन या फिर धन्यवाद करते हैं।